गाइस कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट सब लोग कर लिए, क्योंकि मैं तो नहाई नहीं, पूजा भी नहीं की हूँ, तो मैं अभी नहीं की हूँ और ना करूँगी मैं। और गाइस अभी बन रहे हैं हमारे घर में ये जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, उसके पकौड़े बन रहे हैं। मैंने आपके रेसिपी तो नहीं बताई हूँ, पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पत्ते तोड़ने के बाद उसका डंडे काट कर फिर उसमें आपको चौरट के आटा, चावल की आटा और बेसन, थोड़ा सा लहसुन और प्याज का पेस्ट और नमक, हल्दी, मिर्ची। और आप चाहोगे, बहुत लोगों को इसको थोड़ा सा खुजलियापन आते हैं मुंह में, मुझे थोड़ा बहुत आती है, तो इसमें आप नींबू चाहे नींबू चाहे अचार के मसाला या तेल आप पे डाल के सारे मिक्स करके पत्ते को एक पे एक लगा कर और उसके फोल्ड करके आप धागे से बंद करके उसको कढ़ाई में पानी पानी कढ़ाई में लेकर उबाल कर और उसको कट करके और ऐसे फ्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉग बने रहो आप लोग, ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मेरे हस्बैंड अभी ब्रेकफास्ट कर रही हैं, दलिया खाए हैं। ठीक है, चलो गाइस बने रहो ब्लॉग में आप लोग। तो गाइस यहाँ पे मैं आलू का चोखा बना रही हूँ, खाना भी बनाया, दाल चावल चोखा और अरबी के पत्ते के पकौड़े। आप लोग कमेंट्स करके जो बताना आप लोगों को पसंद है कि दाल में चोखा, वैसे भी बिहारी लोगों को बहुत पसंद है। भाई साहब ये हिचकी आ गई बहुत जोर से। तो गाइस यहाँ बारिश आ चुकी है, मम्मी लोग कपड़ा यहाँ पे है। ये अचानक से बारिश आ जाती है, समझ में नहीं आता इस बारिश को। ये सारी निकल जा, गाइस मिलती हूँ मैं आपसे।